नमस्ते थियोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोमांचक चीज के बारे में। हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा की। जरा सोचो, अगर हम डायनासोर के जमाने में वापस जा सकें या फिर भविष्य देख सकें, टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने से ही कितनी सारी अद्भुत संभावनाएं खुल जाती हैं। समय एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे की ओर बहती रहती है। हम भी इसी धारा के साथ बहते हैं, भूतकाल से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर। लेकिन अगर हम एक ऐसी नाव में बैठ जाएं जो हमें समय में यात्रा करा सके, यही तो सपना है टाइम ट्रैवल का। फिल्मों और किताबों में ये आइडिया बहुत पॉपुलर है। हम देखते हैं कि किर्थियर समय में आगे पीछे जाते हैं, वे ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह बनते हैं या फिर भविष्य में झांक कर देखते हैं। लेकिन क्या असल जिंदगी में भी टाइम ट्रैवल मुमकिन है? आइए साथ मिलकर टाइम ट्रैवल के रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर के लिए। तो आखिर टाइम ट्रैवल कैसे काम कर सकता है? वैज्ञानिकों के पास कुछ हैरान कर देने वाले आइडिया हैं। एक आइडिया है वर्म होल्स का इस्तेमाल करना। जरा सोचो, अंतरिक्ष और समय में एक शॉर्टकट सुरंग, उसे कहते हैं वर्म होल। दूसरा आइडिया है प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करना। मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब हम बहुत तेज गति से चलते हैं तो समय धीमा हो जाता है। ये आइडिया बहुत ही जटिल हैं। इन्हें आजमाने के लिए हमें बहुत ही उन्नत तकनीक की जरूरत होगी, लेकिन इनके बारे में सोचना भी तो कम रोमांचक नहीं है, है ना? टाइम ट्रैवल के बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने सच में टाइम ट्रैवल किया है। एक मशहूर कहानी है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की। कहा जाता है कि 1943 में अमरीकी नौसेना का एक जहाज गायब हो गया था। लोगों का मानना है कि वो जहाज समय में यात्रा करके चला गया था। फिर ऐसी कहानियां भी हैं जिनमें लोग अचानक से अलग अलग समय में प्रकट हो जाते हैं, जैसे रुडोल्फ फेंस की कहानी, जो माना जाता है कि 1876 से 1950 में आ गए थे। ये कहानियां बड़ी रहस्यमय हैं। क्या ये सच हैं या सिर्फ कहानियां, ये तो हम नहीं जानते। भाग 4, समय यात्रा की गूंज। टाइम ट्रैवल का आइडिया कोई नया नहीं है। प्राचीन कथाओं और कहानियों में भी इसका जिक्र मिलता है। महाभारत तो याद ही होगी। इस महाकाव्य में राजा रैवत की कहानी है जो स्वर्ग की यात्रा करते हैं और कई साल बाद धरती पर लौटते हैं। और मॉडर्न साइंस फिक्शन में हमारे पास डॉक्टर हु और बैक टू द फ्यूचर के मार्टी मैकफ्लाई जैसे आइकॉनिक टाइम ट्रैवलर्स हैं। ये कहानियां हमारी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सचमुच एक धीन टाइम ट्रैवल मुमकिन हो पाएगा। भाग 5, अनदेखी रेखा। टाइम ट्रैवल हमें कुछ बड़े सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या होगा अगर हम अतीत बथेल सकें? क्या इससे वर्तमान भी बथेल जाएगा? ये एक तरह की पहेली है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम अतीत में गए तो हो सकता है कि हम एकतम नई टाइमलाइन ही बना दें। ये वैसा ही है जैसे किसी वीडियो गेम में कोई दूसरा रास्ता चुनना। इससे एक बिल्कुल नया एडवेंचर शुरू हो जाता है। ये सवाल बहुत ही जटिल हैं और थोड़े डरावने भी, लेकिन यही तो चीज टाइम ट्रैवल को इतना दिलचस्प बनाती है। भाग 6, आखिरी विचार। तो क्या टाइम ट्रैवल असली है? अभी हमारे पास इसके सारे जवाब नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाएं अद्भुत हैं। हो सकता है कि एक दिन हमारे पास टाइम ट्रैवल करने की तकनीक आ जाए, हम अतीत और भविष्य की सैर कर सकें। तब तक हम सपने देखते रह सकते हैं और टाइम ट्रैवल के रहस्यों को एक्सप्लोर करते रह सकते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमें हमारी कल्पना में अद्भुत जगहों पर ले जाता है। धन्यवाद, और अपने टाइम ट्रैवलिंग सपनों को जिंतिया रखें।